हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय भवन शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी की चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये वीडियो गाइस आपकी सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। तो हम लोग इसको अपना पूरा बेसिक्स के साथ लेकर चलेंगे। पहले चैप्टर में देखेंगे आपकी क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में आती हैं। तो पढ़ते हैं वीडियो में आगे, और तब तक स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा रास्ते तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हम इस वीडियो में आपका किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे अगर व्हाट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जान कर रहे हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। तो पार्ट वन में हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज सेल, एंड सेकेंड चीज़ क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल के बाद फिर देखेंगे हम सेल थ्योरी एंड द सेल शेप एंड साइज के बारे में अगर बात करें। तो इसमें अगर बात करी जाएगी आपकी किस चीज़ की, सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज सेल, तो अगर सेल के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है क्या, ये। तो अगर सेल है क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सेल क्या चीज़ है। इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मतलब ये सभी ह्यूमन बींग्स की आपकी एक छोटी से इकाई जिसे बोलते हैं, सबसे छोटी यूनिट जो है बॉडी की, वो आपकी ह्यूमन लिविंग बींग की सबसे छोटी यूनिट जो है वो आपकी कहलाती है सेल, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन है। आगे देखते हैं एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ, ठीक है। अगर देखा जाए कि सभी सेल्स की अपनी एक ओन लाइफ होती है, मतलब चाहे वो आपका किसी का भी सेल हो, लाइक बैक्टीरिया हो या ह्यूमन का सेल हो, तो मतलब कोई भी लिविंग बींग अगर कोई भी सेल है तो आपकी एक आपकी उसकी खुद की एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लिव्स एज अ सिंगल सेल्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे आपके एक सिंगल सेल से ही जन्म लेते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या फिर आपके सिंगल सेलुलर हो, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा ये स्टार्ट बताया गया है कि जो भी लाइफ अगर स्टार्ट होती है कोई भी मैच्योर होने से, मतलब जो भी लाइफ आपकी स्टार्ट हुई है आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया कि डिस्कवरी ऑफ सेल एंड हाउ, कि जो सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की, तो ये देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, कि जो सेल है वो आपकी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, ठीक है। और उसके बाद इसका आगे देखते हैं कब की थी, 1665 में, ठीक है, ये आपकी 1665 में डिस्कवर हुई थी। तो रॉबर्ट हुक बिल्ट अ माइक्रोस्कोप यूजिंग टू लेंस विच हैड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 50x। मतलब जो रॉबर्ट हुक ने उस टाइम पर सेल डिस्कवर करने के टाइम पर जो एक माइक्रोस्कोप यूज कर रहा था उसकी जो आपकी डिस्टेंस थी वो कितना देख सकता था, 50x तक, ठीक है, ये इसमें बताया गया। सच माइक्रोस्कोप वर लेटर नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज करे थे उनको बाद में क्या बोला गया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से उनको जाना गया था। आगे देखते हैं ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुड मैग्निफाई अप टू मैक्सिमम ऑफ 2000 टाइम्स। अब देखिए जो पहले वाला था, पहले वाला आपका क्या करता था, 50x तक देखता था, लेकिन अब आपके जो ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आ गए थे वो आपको कितना देखने लगे, 2000 टाइम्स, ठीक है। उसका काफी टाइम्स ज्यादा हो गया है, आपका 2000 टाइम्स तक चले गया है, ठीक। अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हो गया कि जो 2000 वाला था उससे भी ज्यादा हो गया है, इसमें आपका 2 लाख टाइम्स हो गया आपका। तो आप खुद देखिए जो डिफरेंस हो गया है कि कितना डीपी हम लोग उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज आ गई। तो यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर बेंट बाय मैग्नेट्स, जो कि आपका मतलब वही मैग्नेटिक तरीके से वो डिजाइन हुआ होता था। और उसके साथ आपका अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा उसकी जो वीडियो है, मतलब किस तरीके से उस वीडियो में हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से वो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है दिखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और जो आपके रॉबर्ट हुक ने यूज करता है वो माइक्रोस्कोप हम अभी आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क एक्सपेरिमेंट कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने किस तरीके से वर्क करा था, तब उन्होंने एक सेल का ओरिजिन करा था, डिस्कवर की थी उससे। तो आगे देखते हैं रॉबर्ट हुक वाइल्ड डिस्कवरिंग अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क थ्रू अ माइक्रोस्कोप लेंस ड्यूरिंग हिज एग्जामिनेशन ही नोटिस दैट द कॉर्क वॉज मेड अप ऑफ अ सेवरल टिनी पोर्स और सेल्स
हैज द नेम, तो मतलब उसका नाम जो कैसे पड़ा। उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क के ऊपर माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने जो अपना मतलब माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज करा था उसके थ्रू उन्होंने जब ये सब चीज देखी तो उन्होंने एक छोटे छोटे पीस में जो उनमें पोर्स बने हुए थे ठीक है जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया। तो ये इस तरीके से उन्होंने वो जो सेल की डिस्कवरी की थी वो इस तरीके से की थी। अब देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है ये साइड में ये वाला जो है आपका ये है आपका कौन सा माइक्रोस्कोप जो आपका रॉबर्ट हुक ने यूज करा था ये वो माइक्रोस्कोप है ठीक है। अब ये आ गया आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपके 2000 टाइम्स तक देख सकते हैं और ये आ गया आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाली मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आपके 2 लाख टाइम तक देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी में एग्जैक्टली हुआ क्या क्या था और कौन कौन से साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे। तो सेल थ्योरी में देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पॉइंट्स ठीक है जो इसमें आपके मेनली 3 पॉइंट्स आपके कवर होते हैं। पहला द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स मतलब जो आपकी जितने भी आपके लिविंग स्ट्रक्चर हैं लिविंग थिंग्स हैं उन सबका स्ट्रक्चर सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी कैसी किससे होती है सेल से। तो एक सेल आपकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी बड़े ओरिजिन की। अगर आप किसी बिल्डिंग की बात कर लें तो अगर आपकी बिल्डिंग 4 फ्लोर या 5 फ्लोर की भी है तो उसमें सबसे पहले अगर बिल्डिंग है बिल्डिंग आपकी किससे बनी हुई है फ्लोर से। फ्लोर फ्लोर आप फ्लोर में क्या है आपके आपके कमरे हैं ठीक है कमरे में क्या है आपकी वॉल्स और उन वॉल्स की जो छोटी छोटी यूनिट है वो आपकी है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या होगी पूरी बिल्डिंग की सेल यूनिट ठीक है। तो ऐसे समझिए। तो आगे देखते हैं ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस पॉइंट से पहले देखिए ये जो 2 पॉइंट थे ये आपके इन 2 साइंटिस्टों ने दे दिए थे सचलिंडन एंड सचवान। ये आपके 2 साइंटिस्ट थे ये 2 स्टार्टिंग के स्टार्टिंग वाले 2 पॉइंट जो थे वो इन 2 साइंटिस्टों ने दिए थे। फिर आपके आए आपके वर्च्यू वर्च्यू ने बोला था कि ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वर्च्यू ने क्या बोला था कि जो आपके सारे सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो भी होते हैं वो आपके लिविंग होते हैं। तो जो भी आपके अपकमिंग सेल्स होते हैं वो आपके पुराने वाले सेल्स से आप पर बन के आते हैं। तो यानी कि वो सेल भी आपके लिविंग होते हैं जब वो उनसे नए सेल्स अराइज हो जाते हैं तब जाकर वो अपने आप को डीजेनरेट यानी कि डैमेज कर देते हैं ठीक। आगे देखते हैं आगे आपका आता है वैरायटी ऑफ सेल्स। अब देखिए सेल्स में किस किस तरीके की वैरायटी आप लोग देख सकते हैं। तो पहले अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका सिंगल सेल। तो सिंगल सेल में आपके क्या क्या आ जाते हैं बैक्टीरिया अमीबा। आपको पता है अमीबा में सिंगल सेल है और बैक्टीरिया में आपका सिंगल सेल है तो उसमें एक ही सेल से का ओरिजिनेट होता है। आगे देखते हैं फ्यू सेल जैसे आपका वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स में आपके कुछ ही सेल्स होती है मतलब एक से ज्यादा होती है कुछ सेल्स होती है वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स क्या है आपकी एक ग्रीन कलर की जो चादर जो आपके जैसे अगर बात करी जाए तालाब वगैरह के ऊपर जो आपकी चादर बिछी होती है ग्रीन कलर की लाइक पत्ती होगी तो वो आपका होता है वॉल बॉक्स ठीक। अगर बात करें मल्टी सेल्स तो मल्टी सेल्स मतलब जैसे मल्टी सेल्स होते हैं ना मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स उनकी बात करिए मल्टी सेल्स तो वो आपके आते हैं एग्जाम्पल्स में आपके आ गया ह्यूमन और प्लांट्स की अगर बात करिए तो उसमें आ गया आपका मैंगो ठीक। स्मॉलेस्ट सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स आपके आ गए किसमें बैक्टीरिया में। एंड अगर लार्जेस्ट सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होती है आपकी नर्व सेल लार्जेस्ट सेल्स। और इसी के साथ अगर बात सॉरी लॉन्गेस्ट सेल्स की अगर बात करें वो आपकी नर्व सेल है और अगर लार्जेस्ट सेल्स की हम लोग बात करते हैं वो आपकी होती है ऑस्ट्रिच एग जो कि आपका समथिंग काफी बड़ा होता है तो उसमें आपकी लार्ज सेल्स में वो आ जाता है। आगे देखते हैं सेल्स जनरली स्टे स्मॉल इन साइज सो दैट दे कैन रीजन ऑफ अ सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रैपिडली फॉर अ सेल्स टू फंक्शन इफेक्टिवली। इस लाइन का मतलब समझते हैं कि सेल्स का जो साइज है वो छोटा क्यों है। देखो जो चीज आपस में छोटी होगी तो वो इजिली पास में रहकर कम्युनिकेट कर सकती है वो इजिली जल्दी से काम कर सकती है। अगर एक सेल्स बड़ी है और दूर दूर है तो वो दे कैन नॉट बी कम्युनिकेट इजिली ठीक है दैट्स व्हाई सेल का साइज जो है छोटा होता है। आगे देखते हैं सेल शेप टू सूट फंक्शंस रिक्वायरमेंट। अब देखो सारी सेल्स की शेप एक जैसी नहीं होती है पहले समझिए। तो जितनी भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स है ठीक है कहीं भी हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर सिस्टम है ह्यूमन बॉडी की अगर हम लोग बात कर लें तो उसमें जितने भी आपके सिस्टम्स हैं वहां पर सब सेल्स का अलग 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 शेप है और अलग अलग सेल का साइज है अलग अलग उनके फंक्शंस है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो नीचे सारी हमारी अलग अलग तरीके की सेल्स हैं ये सब हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है। तो पहला देखते हैं नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा।
इसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो दिमाग की यानी कि नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जो होती है वो आपकी सेकंड वाली सेल्स है, ये वाली सेल्स आपकी आपकी नर्व सेल्स होती है। तो ये लॉन्ग क्यों होती है, ताकि ये इम्पल्सिस को कंडक्ट कर सके, ठीक है, या फिर इम्पल्सिस को आपकी इधर से उधर पहुंचा सके। इस वजह से जो आपकी जो हमारे ब्रेन सिग्नल भेजता है पहुंचाता है तो उनकी उनको भेज सके, उनको कंडक्ट कर सके, उनको ले सके, उसी के लिए आपकी ये जो सेल्स है वो लॉन्ग होती है, ठीक। अब अगर बात करें हम लोग मसल सेल्स की, मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टू पुल और स्क्वीज द पार्ट, जैसे कि आपकी ये है मसल सेल्स। अब आप मसल सेल्स में देखते हो कि उसमें क्या होता है कि जो मसल सेल्स है वो आपकी लॉन्ग होती है, यानी कि काफी खिंची भी होती है, तो उनका काम क्या होता है कि वो आपको पुल कर सके या अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सके, तो इस चीज के लिए आपकी काम आती है मसल सेल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको आया था रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अभी देखिए बात करी गई है आपकी नर्व सेल्स, सॉरी रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स सभी को देख पता है कि ये वाली आपकी रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स आपकी सर्कुलर होती है, यानी कि बाइकॉनकेव में अगर ये होती है तो वो क्यों होती है, क्यों क्या, क्योंकि इनको पतली पतली कैपिलरीज, जैसे अगर ये कैपिलरीज है तो इन कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड की कैपिलरीज, तो अगर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि कैपिलरीज है, तो इनमें से पास होने के लिए गोल होती है, यानी कि सर्कुलर होती है, ताकि मूव कर सके इजिली, अगर रेक्टेंगुलर होंगे तो वो इजिली पास नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई इनका साइज इस तरीके का सर्कुलर होता है। और ये आपके स्पर्म सेल, स्पर्म सेल का फंक्शन अलग है, इनका फंक्शन अलग है, तो इसकी शेप इस तरीके से है, ठीक। आगे देखते हैं, सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल में, एंड गाइस अगर इफ यू आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।